गणेश शिवारकर 3 दिनों तक उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया जंतर मंतर पर, जिसको बहुत सारा सपोर्ट मिला मीडिया का, लोगों का, जनता का। 3 दिन के बाद उनकी उस स्ट्राइक खत्म हुई। अब वो 1 दिन की और हंगर स्ट्राइक करने वाले हैं। अब वो स्ट्राइक एक स्पेसिफिक वजह के लिए है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उनको सवालों के जवाब देने होंगे कि उन्होंने यू टर्न क्यों लिया, क्यों आखिर बात कहकर अपने बयान से पलट गए, उन्होंने पलटी क्यों मारी, इस बात का जवाब उनको देना होगा। और इस आग्रह के साथ, इस उद्देश्य के साथ गणेश शिवारकर फिर से कल हंगर स्ट्राइक करने वाले हैं। हालांकि इसमें अंकित का जिक्र उन्होंने नहीं किया कि अंकित उनके साथ होंगे या नहीं। उन्होंने इसमें सुशांत सिंह राजपूत हैशटैग डाला है और स्वामी, श्वेता, इश्करण, अंकिता, PMO, रवि तिवारी, अमित शाह सभी को टैग किया है। उन्होंने कहा है कि मैं 1 दिन का हंगर स्ट्राइक वापस से करने वाला हूँ, भूख हड़ताल कल सवेरे 8 बजे के बाद से जंतर मंतर पर, जहाँ सुधीर गुप्ता को जवाब देना होगा कि उन्होंने क्यों पलटी मारी है। इस बात के लिए, इस बात का आग्रह करते हुए मैं जो है ये अनशन करूँगा। आपको बता दूँ, इसके पहले भी वो 3 दिनों का अनशन कर चुके हैं, मुंबई में रहे तब तक लगातार, हम फिलहाल दिल्ली गए हैं, मुंबई में लगातार वो सभी से बात कर रहे थे, इंटरेक्शन कर रहे थे। उन्होंने जनता से सपोर्ट भी मांगा कि मैं अकेला हूँ, मुझे कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है और मुझे जो है आप लोग सपोर्ट करें। मैं बता दूँ, उसके पहले वो शख्स थे जिन्होंने तमाम खुलासे किए थे, जिन्होंने सुशांत के बारे में कहा था कि सुशांत ने उनको मौत को गले लगाने से रोका था, आत्महत्या करने से रोका था, और वैसे उनके इस केस में एंट्री, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए थे कि किस तरह सुशांत सिंह राजपूत के केस में मर्डर हुआ है, कौन कौन जिम्मेदार हो सकते हैं, कहानी कैसे आगे बढ़ी होगी, ये तमाम खुलासे वो लगातार जो है चैनल्स में करते रहे। हमने भी उनसे काफ़ी बार बात की, आपने काफ़ी बार उनको फीफा फूस पर देखा है। तो ऐसे में गणेश एक बार फिर भूख हड़ताल करने वाले हैं। उनकी पहली भूख हड़ताल काफ़ी सफल रही थी, देखना ये है कल की भूख हड़ताल का सुधीर गुप्ता पर क्या असर होता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर बताएं। बने रहें मेरे साथ लगातार।